नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कैसे आप वाइट बोर्ड एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में विदाउट पीसी हेल्प। ठीक है, तो इस वीडियो को फॉलो एंड लास्ट तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है एंड बिना मैप को डाउनलोड कर लेना। इसे ओपन करने के बाद तो यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन पर सिंपली क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करो ना, यहाँ पर आपको दिख जाएगा टाइटल। तो यहाँ पर अपनी वीडियो क्लिप होगी उसको टाइटल देना आपको। तो यहाँ से आप कुछ भी दे सकते हैं एंड नीचे आपको दिख जाएगा यूट्यूब 1080p। ठीक है, अगर आप YouTube के लिए बनाना चाहते हैं एंड अदर प्लेटफॉर्म के लिए आपको इसमें दिख जाएगा। एंड इसके बाद आपको क्रिएट मूवी पर क्लिक कर देना। तो कुछ इस तरह का हमारा इंटरफेस ओपन होगा। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे नीचे 5 आइकन्स, पहला स्टिकर टेक्स्ट, बैकग्राउंड एंड हैंड म्यूजिक। एंड उसके नीचे आप देखें तो लेयर वाला ऑप्शन है, साइड में प्लस एंड ऊपर सेव प्ले एंड शेयर वाला ऑप्शन है। तो पूरा बारीकी से बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे ना, स्टिकर वाले पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का हमारे सामने ओपन होगा। एड इमेज, एड एसवी, जी एनिमेशंस एंड जीआईएफ अनप्लेस। एंड यहाँ से अपनी आप ऊपर देख सकते हैं पिक योर ऑन एंड ड्राइंग। यहाँ पर स्कूल, इलेक्ट्रिशियंस, किचन्स एंड सेप्स, आपको बहुत सी चीज़ें इसमें ऑलरेडी दी गई हैं जिनसे आप आसानी से वाइट बोर्ड एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी दी गई हैं। एंड यहाँ पर लोटल आर्ट में थोड़ा ने लैग कर जाएगा बिकॉज ये एनिमेटेड है विथ कलर्स एंड सोशल मीडिया। एंड यहाँ पर आपको कैरेक्टर भी देखने को मिल जाएंगे जो आप अपनी एनिमेशन वीडियो में ईजली से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी करेक्टर फीमेल एंड मेल दोनों हैं। तो मैं यहाँ पर एक करेक्टर चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे आपको 4 आइकन मिल रहे हैं, पहला डिले, दूसरा ड्यूरेशन एंड दूसरा पोज एंड चौथा साइज़। तो यहाँ से क्या है, आपको साइज़ को थोड़ा इनक्रीज कर देना एंड यहाँ से आपको टिक वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना। एंड अगर आप डिलीट भी करना चाहते हैं तो नीचे आपको कॉर्नर में आपको डिलीट का ऑप्शन देख जाएगा। तो यहाँ से हम ऐसे टिक करते हैं एंड कुछ इस तरह का हमारा आ जाएगा। अब आपको दिख जाएगा यहाँ पर टेक्स्ट, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट पर क्लिक करके कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। टेक्स्ट लिखने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इसका हम थोड़ा साइज इनक्रीज करेंगे एंड आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर मिल जाएगा ये। इसे तो थोड़ा आपको इसे बड़ा कर देना है एंड फॉन्ट पर क्लिक करके आप यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट दिए जाते हैं तो आप यहाँ से कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कलर की बात करें तो आप यहाँ से डार्क या फिर वाइट कर सकते हैं। एंड इसके बाद वही प्रोसेस सेम इसी में। अब दूसरे पर आता है हमारा बैकग्राउंड, तो मेरे हिसाब से अब बैकग्राउंड वाइट ही रहने दें एंड हैंड पर आता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से हैंड ओपन करते हैं। हैंड तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे बट जो सेलेक्ट हो ऑलरेडी वही सेलेक्ट रखने देना बिकॉज ये काफ़ी सही रहता है। तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं एंड अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा चौथा ऑप्शन म्यूज़िक, म्यूज़िक ट्रैक्स, म्यूज़िक ओवर वॉइस एंड गैलरी। यहाँ से आप अपने म्यूज़िक अपने गैलरी से भी इंपोर्ट कर सकते हैं एंड सेकेंड ऑप्शन है ओवर वॉइस, आप मतलब वॉइस ओवर भी कर सकते हैं यहाँ से। तो हमें तो नहीं करना है यहाँ पर, तो यहाँ से मैं ऐसे नॉर्मल ट्रिक करता हूँ। एंड इसके बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा ना, प्ले आपको करना हो तो ऊपर प्ले वाले सेक्शन पर आपको ऊपर दिख जाएगा, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना। तो कुछ इस तरह का हमारा जो एनिमेशन है वो
क्रिएट हो चुका है, देख सकते काफ़ी अमेजिंग क्रिएट हो चुका है मोबाइल फ़ोन में। मेरे हिसाब से अभी तक का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन रहा है वाइट बोर्ड एनिमेशन क्रिएट करने से। अगर आप दूसरी लेयर क्रिएट करेंगे तो प्लस वाले पर क्लिक करना, एंड पर जो दूसरी लेयर क्रिएट हो उस पर क्लिक कर, एंड यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई भी फ़ोटो इम्पोर्ट कर सकते हैं अपने लिए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।